सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। हर दफा मैं कोशिश करती हूं कि बॉलीवुड के उन किस्से कहानियों को आपके सामने लाऊं जो अनसुनी हो। आज हम जिस सितारे के बारे में बात करेंगे उनकी तारीफ में हाय, अब मैं क्या कहूं। ये 50s-60s के जमाने की ट्रेंड सेटअप फैशन नीस्टा रह चुकी हैं। उनके स्टाइल स्टेटमेंट का हर कोई फैन था। इनफैक्ट शी इज द लेडी हु स्टोल हार्ट्स ऑफ ऑल फैशनिस्टास विद हर फ्रिंजेस, और उसका नाम, उस हेयरकट का नाम भी साधना कट कर दिया गया था। ऑफ कोर्स अब आप जान ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ साधना शिवदासानी जी की, जिन्होंने कई सारी फिल्में और कई सारे सुपर हिट गाने दिए हैं हमें याद करने के लिए। क्या आपको पता है उनके फिल्मी करियर में उन्होंने एक बहुत ही खास दोस्त बनाई थी। प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप बन गया था इनके बीच में, लेकिन फिर किसी कारण से उनके और उनके बेस्ट फ्रेंड के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था। कौन थी ये बेस्ट फ्रेंड और क्या था ये झगड़ा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले जिस गाने से साधना जी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, उसी गाने से करते हैं आज के इस शो की शुरुआत। लता जी की आवाज में वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, लग जा गले। हमको मिले हैं आज घड़ियां नसीब से,
जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे, कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे, जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। सारे गामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। मेरा सारा
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज के शो में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साधना जी को, उनके स्टाइल को, उनके खूबसूरती को और उनके फिल्मों के गानों को। मतलब मैं सच बता रही हूँ कि इतना मुश्किल रहा मेरे लिए ये कुछ गाने आपके लिए चूज़ कर पाना, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं इनकी फिल्मों का हर एक एक गाना आज के इस शो में किसी ना किसी तरीके से लगा सकूँ, आपके लिए बजा सकूँ। फिलहाल वैसे साधना जी की ज़िंदगी, उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करते हुए, बॉलीवुड में इनकी पारी मानो बड़ी अच्छी चल रही थी। परख, हम दोनों, असली नकली, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब वो कौन थी, एक फूल दो माली, ऐसी फिल्मों के साथ में पॉपुलैरिटी तो इन्हें बहुत मिल गई थी। वैजयंती माला जी के साथ में बिटवीन 1962 एंड 65 ये भी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। लेकिन 1966 की बात है, फिल्मी करियर तो अच्छा चल रहा था, लेकिन इनके पर्सनल लाइफ में एक प्रॉब्लम आई थी। फिल्म आई थी साधना जी की मेरा साया, जिसके गाने फिर से बहुत बड़े हिट थे। इस फिल्म का गाना इनफैक्ट झुमका गिरा रे वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ दैट टाइम। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था इस गाने ने। द सॉन्ग वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ आशा जी एंड साधना जी, और आशा जी ही वो फ्रेंड थी साधना जी की, जो कि मतलब परिवार से भी ज़्यादा बड़ा अगर एक दोस्ती का रिश्ता बन सकता है तो वो साधना जी और आशा जी का था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे हिट गाने आशा जी साधना जी ने साथ में दिए थे, पर अनफॉर्चुनेटली 40 साल की दोस्ती के बाद, वंस अपॉन अ टाइम, ये जो बेस्ट फ्रेंड्स थे एक ज़माने के, उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी और दोनों ने एक दूसरे को कोर्ट तक घसीट लिया था, ऑल बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी इश्यूज। हाय रे हाय ये पैसा। भाई हम तो प्यार से प्यार करते हैं, तो इसीलिए इन दोनों के प्यार के नाम, आशा भोसले जी की ही आवाज़ में गाना झुमका गिरा रे, जिससे इस बात की शुरुआत हुई थी, चलिए सुनाते हैं आपको। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। Thank you.
सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, के बन जाए कोई अफसाना दिल का, जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है, कि ये साथ अपना कदम दो कदम है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है।
खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज साधना जी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी के कुछ किस्से कहानियां मैं यहां पर लेकर आई हूं आपके लिए। साधना जी उन एक्ट्रेसेस में से थीं जो पॉपुलर तो थीं, लेकिन ज़्यादा गॉसिप में नहीं होती थीं। लव इन शिमला जो काफ़ी हिट रही थी, उस फिल्म के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर, मतलब आर के नैयर जी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उनसे साधना जी ने शादी कर ली थी 1966 में। लेकिन क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी तब, उनके माता पिता ने ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन एक समय था जब साधना जी अपने फोटोग्राफ्स भी निकलवाने से हिचकिचाती थी। क्या हुआ था ऐसा और क्यों हिचकिचाती थी? वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी स्टाइलिश थी, फिर भी फोटोग्राफ्स खिंचवाना क्यों पसंद नहीं था इन्हें? बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनिए अगला गाना, वंस अगेन अ सुपर हिट ट्रैक साधना जी की फिल्म से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। Love this episode. Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है तेरी होशियार गम सर आंखों पर जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। कोई आए तो देखूं नहीं कोई
बहकाए हंस के तो बहको नहीं, अप्सरा कोई आए तो देखो नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार के जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. Zarurat hai, zarurat hai, zarurat hai ek Shrimati ki, Kalavati ki, seva kare jo pati ki. Zarurat hai, zarurat hai, zarurat hai ek Shrimati ki, Kalavati ki, seva kare jo pati ki. जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। हंसी हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े, हंसी हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े, हो जुल्फ गालों से खेलती के जैसे दिन रात से लड़े, हो अदाओं में बहार हो, निगाहों में खुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। सू जहां चले तो साथ में आसमां चले, झटक के गेसू जहां चले तो साथ में आसमां चले, लिपट के फितने भी पांव से ये पूछते हो कहां चले, हो प्यार से जो काम ले हंस के सलाम ले, वो हाथ मेरा थाम ले तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। सांसें बसी बसी
हूँ मस्तियों में रसी रसी, इतर में सांसें बसी बसी, हूँ मस्तियों में रसी रसी, दराज पलकें झुकी झुकी, भौवें घनेरी कसी कसी, हो 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 हो। फूलों में गुलाब हो खुद अपना जवाब हो, वो प्यार की किताब हो तो क्या बात है, जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की, जरूरत है जरूरत है जरूरत है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। साधना जी की खूबसूरती के तो मतलब क्या कहने, सभी लोग जानते हैं कि उनका स्टाइल, उनका फैशन, उनकी खूबसूरती सभी के बहुत चर्चे हुआ करते थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक समय था जब 1967 में उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था अनीता। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसके बाद उन्हें इतनी चोटें आई थी कि उनकी एक आँख जो है वो डैमेज हो गई थी। तब से चाहे देखने में ऐसा ना महसूस होता हो कि आंखें डैमेज्ड हैं, लेकिन फोटोज जब भी कोई खींचता था तो उन्हें उनकी आंखों में बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता था, फ्लैश वो झेल नहीं पाती थी, इसीलिए उन्होंने तब से फोटोज़ खिंचवाना ही बंद करवा दिया था। कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर, कहीं पर भी उनकी फ़ोटोज़ नहीं छपती थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि तन की खूबसूरती ने उन्हें फिल्में दिलाई थी, पर मन की खूबसूरती ने करोड़ों लोगों के दिल जितवाए थे। चलिए तो आगे हम साधना जी की ही एक मूवी से गाना सुनाएंगे आपको, सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। ने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए। हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें रख दो, ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो, तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए। मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारे भर दो, मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ मेरी बाग में तारे भर दो, तुमने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली
पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें।
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आई थिंक आज के इस पूरे एपिसोड में मैंने साधना जी की स्टाइल के बारे में बहुत बार कहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं साधना कट जो फ्रिंजेस की जो एक हेयर स्टाइल मानी जाती है वो तो इनके नाम से फेमस हुई ही थी, उसी के साथ में एक और ट्रेंड भी इन्होंने शुरू किया था और वो ट्रेंड था चूड़ीदार पजामे का ट्रेंड। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक समय ऐसा था जब सभी लोग सलवार पहनते थे लेकिन चूड़ीदार कोई नहीं पहनता था। वो साधना जी ही थी जिन्होंने कि टाइट चूड़ीदार का ट्रेंड जो है वो शुरू किया था। वो चाहती थी कि लड़कियां थोड़ी और हॉट, थोड़ी और सेक्सी लगे, अपनी जो फेमिनिटी है उसे स्क्रीन पर थोड़ा और अच्छी तरीके से दिखाएं, निखार पाएं। तो उन्होंने अपने डिज़ाइनर के साथ में ये एक इस तरह की आउटफिट डिज़ाइन तो की थी, लेकिन यश चोपड़ा जी को ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था। पर हमारी साधना जी ने अर्ज किया था कि वक्त फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ही थे, तो साधना जी ने कहा था कि मुझे बस एक शॉट देने दीजिए आप इस तरह का ये ड्रेस पहन करके। तो यश जी ने जब उसे कैमरा पर देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि सच में इतनी खूबसूरती को निखार रहा है ये एक ऐसा आउटफिट, और तब यश जी ने इसे अलाउ किया था। एंड दैट्स हाउ चूड़ीदार का ट्रेंड जो है वो 1970s में आ गया था। तो चलिए हमारी फैशनिस्ता साधना जी के ही नाम बजाते हैं अगला गाना आपके लिए। बताना चाहूंगी अगला एपिसोड जो होने वाला है वो माला सिन्हा जी पर होने वाला है, वंस अगेन वन ऑफ द प्रीटीएस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम। लेकिन माला सिन्हा जी ने अपना नाम दो बार चेंज किया था, उनका पैदाइशी नाम माला तो था ही नहीं। क्या थे उनके ये दो नाम जिन्हें बदलने के बाद में वो माला सिन्हा बनी, बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। फिलहाल सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। Thank you.
फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है, ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना, ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर, दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो, महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। जरा दे, देखन दे।
अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.